जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी शहीदों को सलाम करकर, सैल्यूट करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है। तो उन बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो, बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। ना पीछे कोई बड़ी परंपरा थी, ना बड़े संसाधन थे, मगर हौसले बुलंद थे। एक बीज के रूप में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई, वो बीज आज वटवृक्ष बनकर लगभग 3.25 करोड़ लोगों का परिवार बनकर देश को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। रुस्तम जी के हाथों से जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आज हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित कराने वाली गति से उसने अपनी परंपराएं भी स्थापित करी है और जीवन पर्यंत कर्तव्य का नारा को सार्थक करते हुए एक उच्च बलिदान की परंपरा को भी स्थापित किया है। वैसे तो उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 22 मई के दिन एक कार्यक्रम होता है, परंतु कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम आज हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 6 साल बाद ही, जब उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में सभी मानव अधिकारों का हनन हो रहा,